गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं इसका ग्रेविटेशन चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं टेक्स्ट बुक के। तो यहाँ पूछा गया है पहला क्वेश्चन नाइन्थ क्लास का, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैसे चेंज होगी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब डिस्टेंस हम हाफ कर दें, मतलब पहले जितना भी था उसका हाफ कर दें, मतलब अगर 10 था पहले तो उसका 5 कर दें, तो कैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ देखो, हमें पता है फोर्स जो है यहाँ पे वो प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, स्क्वायर के। तो हम करेंगे F1 अपॉन F2, पहली फोर्स दूसरी फोर्स। अब जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो ये D2 ऊपर आता है, D1 नीचे आता है। अब स्क्वायर जो है वो दोनों के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर्स को तो हम वैसे रखेंगे, फोर्स को हमें पता नहीं है पहले कितनी थी या बाद में कितनी थी, मगर हमें पता चलेगा बाद में कितनी फोर्स हो गई। अब D2 जो है वो बाद में हमने हाफ कर दिया, क्या कर दिया, हाफ कर दिया, अगर 1 था उसका हाफ कर दिया। तो यहाँ पे दूसरी कितनी थी, 1 की 1 ही रहेगी, तो ये 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो F1/F2 तो क्या हो जाएगा, 4F1=F2। तो F2 जो होगी वो 4F1 हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में बोला है ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है मगर प्रोपोर्शन टू मासेस होती है, मतलब जितना मास होगा उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होगी। तो हैवी ऑब्जेक्ट क्यों नहीं जल्दी गिरता है नीचे, तो हम इसमें ये बोलेंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स तो डिपेंड करती है मासेस पे, मगर एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करती मासेस पे, इसलिए मूवमेंट जो होती है वो दोनों जितनी, चाहे कोई हैवी ऑब्जेक्ट है चाहे वो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, उसकी मूवमेंट सेम होगी। तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो होगी वो सेम होती है लाइटर ऑब्जेक्ट के लिए भी और हैवियर ऑब्जेक्ट के लिए, इसलिए वो सेम टाइम पर नीचे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड, अच्छा ये क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन फोर्स पे आ गया। आपको निकालनी है ग्रेविटेशन फोर्स, एफ निकालनी है। तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, F=g(m1, m2)/d²। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसकी वैल्यू डालनी है। जी की वैल्यू आपको पता है 6.67 × 10⁻¹⁰, कितनी होती है यहाँ पे वैल्यू, -11। m1 कितना है इसका, इसका बोला हुआ है m1 जो है वो 1 है, मास ऑफ द अर्थ इतना है और 1 kg, और मास ऑफ द अर्थ जो है वो 6 × 6, अच्छा ऑब्जेक्ट का रखो 1 और दूसरे का कितना है 6 × 10⁻²⁴ अर्थ का है। तो अब डी जो है डिस्टेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे जो रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, डिस्टेंस 6.4 × 10⁻⁶² तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 6.67 है तो 6.7 लिख लें, यहाँ पे लिखते हैं 6.7 या 6.67 रखो, 10⁻¹⁰ × 6 × 10⁻²। इसको दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.4 को 6.4 से, 6.4 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 4 16 24 25 6 4 24 36 37 38 6 9 10 4 1 2 40.96 × 10⁻¹². अब यहाँ पे 6.67 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 6 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 6.67 को मल्टीप्लाई करना है हमने 6 के साथ, तो 7 6 42, 6 6 36 40, 6 4 24, 6 6 36 40, 40.02, हम इसको 40 लिख सकते हैं क्योंकि जीरो की वैल्यू नहीं है, × 10⁻¹² क्या है हमारे पास, −11 × 10⁻², और नीचे क्या है हमारे पास, 40.96 × 10⁻¹². अच्छा ये जो माइनस में ऊपर है, अगर इसको नीचे ले आऊँ तो इसके साथ प्लस कर लूँ तो ये हो जाएगा प्लस में, ऊपर का माइनस अगर नीचे आ जाए तो वो प्लस में जाता है, 10⁻², ऊपर रखती हूँ, 40.96 × 10⁻², 24 × 10⁻¹১, तो कितना हो जाएगा ये, 4 × 5 = 3 = 35, 40 × 10⁻²² 24 upon 40.96 × 4 = 5 = 3। अब इसमें से इसको काट लूँ तो कितना हो जाएगा, 35 में से 24 के कितना आएगा, 1 1 11, तो नीचे 11 बच जाएगा, 40 upon 40.96 × 10⁻¹১।
इसको काटो तो कितना आ जाएगा, 0 point something आएगा, 0 point, अगर दोनों को डिवाइड करूँ तो 0.97 आएगा, इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10 रेज पावर आ जाएगा यहाँ पे -11। तो ये हमारा हो गया न्यूटन में